Hi, this is Naima and I welcome to you my channel Naima Vlogger. Hope you all doing well. आज हम लोग आए हैं एट्रियम. ये हम एट्रियम के सामने खड़े हैं. केबीसी है फूड उसके बिल्कुल सामने. और ऊपर आते के साथ ही मुझे गुल अहमद की सेल नज़र आई, तो मैं गुल अहमद के अंदर चली गई और वहाँ पे जाके मुझे कुछ ड्रेसेस वगैरह अच्छे लगे और मैंने देखे और फिर मैंने कुछ पसंद भी किए, कुछ लिए भी. ये सारी कुर्तियाँ हैं जो सेल पे थी और ये डिज़ाइन थे इनके और लाइट कलर थे काफ़ी. और ये जो है ये प्रिंट हुआ हुआ था इसके ऊपर, तो इसी वजह से मैंने ये नहीं लिया. आगे जाके मुझे एक ड्रेस पसंद आया ब्लू कलर का जो कि आप देख रहे हैं सामने, और ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे. बच्चे जो है मेरे साथ साथ होते हैं तो मेरे साथ साथ शॉपिंग में वो भी शामिल होते हैं. ये देखें मेरी हेल्प करवा रहे हैं तब्रेज. अच्छा, ये ड्रेस मुझे काफ़ी समझ आया था. अगर ये फैब्रिक खद्दर नहीं होता तो मैं पहली फुर्सत में ले लेती. खद्दर जो है सिर्फ सर्दियों में पहने जाते हैं और हम कराची के हैं तो कराची में इतनी सर्दियाँ नहीं होती. सर्दियाँ होती भी हैं तो सिर्फ 2 महीने. ये डिज़ाइन देखें इसका, इसकी प्राइस थी 5000 समथिंग. फिर ये डिस्काउंट के बाद मेरे ख्याल से 4500 का कुछ था ड्रेस रखा था. अच्छा लगा था, डिज़ाइन भी काफ़ी पसंद आया था, लेकिन मैंने लिया नहीं. आगे जाके मैंने और डिज़ाइंस देखे, वो भी मुझे काफ़ी समझ आ रहे भी थे और नहीं भी. तो जनाब ये मुझे कुर्ती काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन ये स्मॉल साइज़ था. इस पर बंच था शोल्डर पे और स्लीव्स पे कोई डोरी लगी हुई थी, लेकिन इसका साइज़ मुझे नहीं मिला तो इसी वजह से फिर मैंने ये छोड़ दिया. और उसके बाद मैं बाहर आ गई, जो कुछ लेना था मैंने लिए, पिलो वगैरह कुछ लिए थे. और इसके बाद बाहर आ गई तो ये देखें ये बेसमेंट है नीचे की, नहीं फर्स्ट फ्लोर है ये, और ऊपर देखें ऊपर थर्ड फ्लोर है. थर्ड फ्लोर पे ही सिनेमा वगैरह है, तो आज मूवी लगी हुई थी उधम पटक, वो हम देखने आए थे. काफ़ी अच्छी मूवी थी. और इसके बाद जो है कुछ मूवी कुछ पिक्चर्स ली, फिर उसके बाद कुछ देखा जी. तो अब अगली शॉप पे जाते हैं, देखते हैं. और मेरी तरफ से सबको हाय, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी और शॉप्स वगैरह. ये देखें सामने घड़ी और ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा. ये बैठने का सिस्टम उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है. निशात मेरा फेवरेट है, निशात के अंदर भी मैं जाऊंगी, वहाँ पे कुछ गॉगल्स वगैरह देखूंगी, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ. तो उसके बाद जो है निशात पे आए. निशात पे आने के बाद मुझे इनकी जो है गॉगल्स और वॉचेस वगैरह बैग वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने गॉगल्स वगैरह जो हैं वो चेक किए. काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे, लेकिन मुझे लग रहा था मेरे ऊपर कोई सूट नहीं कर रहा है, इसी वजह से मैंने नहीं लिया. और लेकिन ट्राई काफ़ी किए थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मज़ेदार थे. वॉच मुझे नहीं मिली, बेसिकली मुझे यहाँ से वॉच लेनी थी, वो नहीं मिली. और ये देखें तो बस फिर मैं वापस आ गई. जी तो ये है एट्रियम. एट्रियम मेरे ख्याल से थर्ड फ्लोर तक है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीजनेबल है. ये कराची में सदर की साइड पे है एट्रियम, और काफ़ी अच्छा मॉल है. रश भी नहीं था, काफ़ी सुकून था, काफ़ी अच्छे से आप शॉपिंग कर सकते हैं. काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, सारे आउटलेट हैं, ब्रांड हैं सारे, तो काफ़ी अच्छा था. फूड कोर्ट है ऊपर जहाँ पे सिनेमा है वहाँ पे उसी साइड पे. और ये नीचे देखिए, नीचे टॉयज़ वगैरह भी थे बच्चों के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा था एट्रियम में आके. उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आई, ये शायद जीन है, मुझे नाम याद नहीं, शायद रंग रसिया या जीन है. बच्चों के थी कलेक्शन, जो बच्चियों के लिए लेने थे ड्रेस वगैरह, लेकिन समझ नहीं आया मुझे. खैर फिर हम यहाँ से निकले
और ये देखें आगे काफ़ी आउटलेट हैं आपको नज़र आएंगे मेरी वीडियो में, मिनी माइनर और ये सारे। तो ये यहाँ से बाहर बाहर से मैंने सारी वीडियो बनाई है, एक फ्लोर है जहाँ पे सारे ब्रांड हैं। जी तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे के फ्लोर पे, मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चों के लिए। और अब हम नीचे आ चुके हैं, नीचे जो है शूज़ के जो हैं वो शॉप्स हैं, आउटलेट वगैरह बाटा और ये और भी काफ़ी शॉप हैं आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से शू वन और बाटा ये सब नज़र आएँगे। और ये देखते हैं आगे जाएंगे तो आगे आप स्टॉल में जाएंगे। जी तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी करें। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।